हाय गाइस, माय नेम इज़ नादिर सिद्दीकी। वेलकम टू डीप टेक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग वन प्लस नॉट के बारे में बात करने वाले हैं। वन प्लस नॉट का एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है, मैंने उसको अपडेट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे अपने वन प्लस नॉट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे पास यूनिट है वो अभी एंड्रॉयड 10 पर है। हम इसको एंड्रॉयड 11 पर अपडेट करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑक्सीजन अपडेटर, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपली सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे, वन प्लस नॉट का एंड्रॉयड 11 का अपडेट आपको उसमें दिखा देगा एंड नीचे की साइड आपको चेंज लॉग भी दिखेगा एंड फाइल साइज भी दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मैंने फाइल डाउनलोड कर ली है, 2.1 GB इसमें बता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड होती है यहाँ पर दिखा रहा है 2.91 GB एंड जो डाउनलोड फाइल होती है वो होती है 3.1 GB समथिंग की। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन क्लोज कर देनी है। देन आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर मेन सॉफ्टवेयर अपडेट बताता है सेटिंग के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद आप साइड में एक और सेटिंग का बटन देखेंगे, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लोकल अपग्रेड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी फाइल डाउनलोड होने के बाद अपने आप शो होने लगेगी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देना है। इसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मेक श्योर आपकी जो बैटरी है वो 70% के ऊपर हो, ताकि आपकी अपडेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंज आए हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारा वन प्लस नॉट सक्सेसफुली एंड्रॉयड 11 पर अपग्रेड हो गया है। यहाँ पर हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। बात करते हैं चेंज लॉग की, तो बहुत सारे आपको चेंजेस इसमें देखने को मिल जाएंगे एंड्रॉयड 11 में। सबसे पहला चेंज जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है एम्बिएंट डिस्प्ले का। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप कोई भी फोटो लगाते हैं, कैनवास वाला एक फीचर इसमें नया आया है, कोई भी फोटो लगाते हैं उसकी आउटलाइन बना देता है एंड यहाँ पर आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे वो लगा देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा चेंज, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगी, आप अलग अलग तरीके की क्लॉक लगा सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर एक और एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, जितनी बार आप फोन अनलॉक करेंगे तो एक लाइन बनी हुई आती है, ऊपर लिखा हुआ आता है कितनी बार आपने अनलॉक करा। ये अच्छा है डिजिटल वेलबींग के हिसाब से कि आपको पता रहेगा कि आपने कितनी बार अपना फ़ोन अनलॉक करा है। एंड गाइज, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। आप वन प्लस नॉट में डायरेक्ट नोटिफिकेशन शेड को नीचे करके डार्क मोड ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं वन प्लस 6 यूज़ करता हूँ एंड उसमें एंड्रॉयड 10 है, वहाँ पर आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन शेड को नीचे करके आप डार्क मोड इनेबल कर सके। देन यहीं पर बात करते हैं गैलरी की, तो यहाँ पर गैलरी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस बार गैलरी कर दी गई है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने जितने भी फीचर्स आपको बताएं, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा कि ये वाला फ़ोन मैंने 3 months ओल्ड खरीदा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं सेकेंड हैंड फोन्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो यहाँ पर हमारी वन प्लस नॉट की नई वीडियो आने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि क्या 2021 में वन प्लस नॉट लेना चाहिए, सेकेंड हैंड लेना चाहिए या न्यू लेना चाहिए। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।